फैमिली कैसे है आप लोग? आज हम लोग करने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन से की तरफ से आपके लिए एक लवली लव लेटर। यस गाइस, तो आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेजेस लेंगे हम। तो ये मैं ऐसे करने वाली हूँ, अगर आपके पर्सन सिंगल है तो अलग लव लेटर, आपकी पर्सन मैरिड है तो अलग लव लेटर। उससे पहले गाइस हम लोग करने वाले हैं एनर्जी चेक, तो देखते हैं गाइस कैसे निकल के आता है ये रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो नंबर गाइस जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको कहना चाहूँगी कि गाइस अभी गणपति बैठने वाले हैं कल, तो मैं थोड़ी सी बिजी रहूँगी, बट सेकेंड थर्ड के बाद मैं आप लोगों को फिर से ले पाऊँगी। लेकिन अगर आप लोग कभी भी अपॉइंटमेंट्स लेके रखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सर्टनली कॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। गाइज मैंने ऑल्सो लाइव जो Q&A फॉर मेम्बर्स होता है उसका शेड्यूल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जाकर देखें ताकि आप लोग को पता रहे कि लाइव कब कब होने वाला है सितंबर के मंथ में। ठीक है गाइज, तो ज़रूर देखिएगा। लेट्स सी सबसे पहले कि आपके DM अगर सिंगल है तो उनकी क्या करंट कंडीशन है। तो और अगर आपके DM मैरिड है तो उनकी क्या करंट कंडीशन है। ओके, काफी ज्यादा कार्ड निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 of Cups, ड्रीम कम ट्रू। ठीक है गाइस, इसके बाद हम पर्सनल लव लेटर बाद में ही इंगेज करेंगे, तो पहले हम लोग सिंगल का ले लेते हैं। तो सिंगल में देखते हैं सबसे पहले, अगर आपके DM सिंगल है तो वो आपको आकर ऑफर ऑफ लव देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट वो आपको वॉक अवे करते हुए देख रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। ठीक है गाइस, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके एंगर को मिरर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर ये इतना ज़्यादा नाराज़ है और गुस्सा है मुझसे नहीं बात करने वाली तो ठीक है, फिर मैं भी इसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, जाए ये जहाँ जाना है इसको। यही एंगर का मिररिंग के वजह से वो आपके पास आके बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो आपके पास बात करने आना चाहते, आपको जस्टिस देने आना चाहते, ये इनकी रियलिटी है। पर वो आपके एंगर को मिरर करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब जो हम देखने वाले हैं गाइज आपकी पर्सन से एक लव लेटर, अगर आपने आपके DM सिंगल है। ओके, ये कार्ड निकल के आना चाहता था और ये भी, बाकी सब मैं वापस अंदर रख रही हूँ और फिर शफल करके निकालेंगे। तो आपके पर्सन कह रहे हैं गाइस आपको, अगर आप अगर वो और आप सिंगल हो तो योर एनर्जी सूदिंग एंड हीलिंग मी, तो कहीं ना कहीं उनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप वैल्यूज़ आप क्वाइट डिफरेंट, कैन वी मीट विद बेस, तो कह रहे हैं तुम और मैं जो संस्कारों से बड़े हुए हैं वो बहुत ही अलग है और हमारी रिलीजन हमारा सब कुछ बहुत ही अलग है, क्या हम लोग मिड वेज मिल सकते हैं, क्या हम लोग एक दूसरे के साथ कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड निकल के आ रहा है, गो स्लो विथ मी एंड आई प्रॉमिस आई विल अलाउ यू इन, तो वो चाह रहे हैं कि आप ये कनेक्शन को एक स्लो पेस पे चलाए, स्लोली स्लोली आराम आराम से ये कनेक्शन आगे बढ़े। समटाइम्स आई वंडर हाउ कुड आई बी सच एन इडियट टू लेट यू गो। तो देखिए गाइज वो ये क्लियर हो गया है सिचुएशन जब कार्ड्स के साथ कि भाई वो सोच रहे हैं कि मैंने इसको जाने कैसे दिया, लेकिन वो आपके पास भाग के आना चाह रहे हैं लेकिन आपके ईगो को मिरर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। When I'm away, I'm practically planning my future with you. तो वो अभी अकेले में बैठ के अपनी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके साथ। I don't deserve you, I know that, but I can do anything to keep you. तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, ये तो मुझे पता ही है, बट मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I want to see the twinkling stars and the rising sun in your arms. तो कह रहे हैं कि ऐसा मुझे ऐसे दिन चाहिए जब मैं रात से लेकर सुबह तक तुम्हारे साथ बैठ के बातें करूँ और रात के तारे गिनने से लेकर सुबह के पहली किरण तक मैं तुम्हारे साथ वो पूरा इंजॉय कर पाऊँ एक्सपीरियंस को। आई एम इन लव विद द होल ऑफ यू इंक्लूडिंग वॉट यू सी एज इम्परफेक्शन। तो कह रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, जो तुम अपने आप को समझती हो कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं मोटी हूँ, जो भी आप अपने बारे में इम्परफेक्शंस देखते हो या अपना कमियां देखते हो, वो उस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये है आपका लव लेटर, लास्ट मैसेज आया है।
आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विथ यू, आई वॉन्ट टू डांस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पैरिस विथ यू. तो आपके साथ ये पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पैरिस भी देखना चाहते हैं. तो गाइज ये था आपके लिए रीडिंग्स. ठीक है, अब देखते हैं गाइज की जो मैरिड है आपके डीएम, तो वो आप उनकी एनर्जी क्या है और वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं. तो अगर आपके डीएम मैरिड है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको देख रहे हैं कि वो ही आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आपके साथ न्यू लव बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट पहले उनको अपने कार्मिक्स को गुड बाय करना होगा. वो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रखना चाहते, वो मतलब यू आर द वर्ल्ड ऐसा फील करें, आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उनको के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो, आप ही उनके लिए पॉजिटिव फ्यूचर हो, वो ही इमेजिन करते हैं. वो ये ड्रीम कम ट्रू आपके लिए ही आया है गाइज. किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं. उनको अच्छा लगता था जब आप उनके साथ वल्नरेबल होते थे और अपने रियल फीलिंग्स उनके साथ शेयर करते थे तब. ठीक है, तो वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं वो. ठीक है, जो शायद ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो वही उनका बड़ा प्रॉब्लम है. फिलहाल वो आपके पास आना चाह रहे हैं, उनका मन ऐसा कर रहा है बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है. एक मिनट गाइस, तो देखते हैं गाइस लव लेटर में क्या निकल के आता है, क्या लव लेटर देना चाहते हैं ये पर्सन आपको अगर वो मैरिड है तो. मुझे आप स्वीट हार्ट यू आर द ओनली वन दैट मैटर्स टू मी, तो वो कह रहे हैं कि आप ही हो. उनकी कार्मिक उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, आप ही हो जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं. येस आई सी साइंस ऑफ यू एवरीवेयर एंड आई एम ओपन टू वेयर दिस जर्नी टेक्स मी. तो येस वो बहुत ज़्यादा ओपन है कि आपके साथ ही जर्नी करनी है, यही देख रहे हैं वो. ठीक है, सम टाइम्स आई वंडर हाउ कुड यू बी सच एन इडियट टू लेट मी गो. तो मतलब हाउ कुड आई बी सच एन इडियट टू लेट यू गो. तो वो फील कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा इडियट हूँ कि मैंने उसको चूज किया और आपको नहीं. आई डोंट डिजर्व यू, कह रहे हैं कि मैं आपको डिजर्व ही नहीं करता, मैं आपके लायक ही नहीं हूँ. आर वैल्यूज आर डिफरेंट, हम लोग दूसरी दूसरी सोसाइटी से आते हैं, हम लोग दूसरी सोच है एक दूसरे की. ठीक है गाइज, और वो मतलब फील कर रहे हैं कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील करते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा डराता है. I will surprise you in time if you let me. तो अगर तुम मुझे इस कनेक्शन को टाइम दे सकती हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे सरप्राइजेस दूंगा फ्यूचर में, जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, वैसे कदम मैं उठाऊंगा. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय.